विदाउट सर्टिफिकेशन जॉब इन आईटी, क्या आपको बिना सर्टिफिकेशन के आईटी में जॉब मिल सकती है, उसी पे बात करें। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आईटी में इनिशियल प्रोफाइल के लिए जो आपकी बेसिक या स्टार्टिंग प्रोफाइल होती है, वहाँ किसी भी तरीके के वहाँ पे किसी भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है, या आपको वहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। चाहे आप डेस्कटॉप सपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप एज ए डेवलपर स्टार्ट कर रहे हो, चाहे एज ए टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे इनिशियल लेवल पे किसी भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। हाँ, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पे होती है, जैसे कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जा रहे हो, क्लाउड के लिए जा रहे हो, लिनक्स के लिए जा रहे हो, तो ऐसी जो प्रोफाइल्स होती है ना, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन की नीड होती है, वो भी दो कंडीशन में वहाँ पे होती है। पहली चीज़, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, जो पेड सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है, वो क्या करता है कि आपका इंटरव्यू में कुछ पॉइंट बढ़ा देता है, कि मतलब हाँ वो बंदा सर्टिफाइड है तो हम उसको पहले लेंगे। सपोज कोई बंदा है, अगर 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में 8 क्वेश्चन आपने बता पाए और 8 क्वेश्चन साइड वाले बंदे ने बता पाए, तो वहाँ पे प्रेफरेंस आपकी होगी, क्योंकि आपके पास पेड सर्टिफिकेशन है। अब इसी में एक सर्टिफिकेट होता है। अब इसमें दूसरी जो थिंग आती है, वो आती है सर्टिफिकेट के लिए कि कहीं पे मैंडेटरी होता है और कहीं पे मैंडेटरी नहीं भी होता। तो यहाँ भी ये दो चीज़ें होती हैं, आपको कहीं सर्टिफिकेट मैंडेटरी देना पड़ता है कि नहीं, मैं सिर्फ उस बंदों को ही हायर करूँगा जिनके पास लेने का सर्टिफिकेशन है, या फिर उन बंदों को ही हायर करूँगा। और कहीं पर ऐसा भी होता है कि अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है तब भी आपको लिनक्स में जॉब मिल जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे ही सेम AWS में भी होता है, जहाँ मैंडेटरी है सर्टिफिकेशन, वहाँ आपको देना ही पड़ेगा, और जहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है वहाँ पे आप ऐसे ही जा सकते हो, बट आपके पास वो टेक्नोलॉजी की लर्निंग और वो कैपेसिटी होना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हो। अगर वो आपके पास टैलेंट है, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रोफाइल की। बट आप आगे जाते हो ना, जैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल सिक्योरिटी या AV सिक्योरिटी, इन सब की प्रोफाइल में जाते हो ना, तो आपके लिए फिर सर्टिफिकेशन मस्ट हो जाता है। उनको देना ही, उनको दिखाना ही पड़ता कि हाँ मैंने इस पर सर्टिफिकेशन किया। तो वो एक अलग लेवल पर जाके होता है, जब आपको 5 साल, 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है IT प्रोफाइल में। आई होप आप समझ गए होगे कि बेसिक प्रोफाइल के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।